हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉच ऑन पॉइंट। मैं हूं अनुराग और आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं 2023 में रिलीज हुई अ हॉन्टिंग इन वेनिस की, जो कि एक जबरदस्त सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री मूवी है, जो कि बेस्ड है अगाथा क्रिस्टी की 1969 की नॉवल हेलोवीन पार्टी से। इस कहानी के आखिर में जब आपको कातिल का नाम पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें 1947 में इटली के वेनिस शहर को दिखाया जाता है, जहां पर एक मशहूर डिटेक्टिव रहता है जिसका नाम हरक्यूल पायरो है, जो कि किसी भी केस को चुटकियों में सुलझा सकता है। लेकिन अब वो अपने रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहा है और केसेस नहीं लेता है। उसके घर के बाहर बहुत सारे लोगों की लाइनें लगी रहती है जो कि केसेस लेकर उसके पास आए होते हैं। चूंकि वो अब रिटायर हो चुका है इसीलिए केसेस लेना नहीं चाहता, इसीलिए उसका बॉडीगार्ड विटाले पोर्टफोलियो लोगों को उससे दूर रखता है। एक दिन हरक्यूल से मिलने उसकी पुरानी दोस्त आती है। वो उसके बॉडीगार्ड को एक सेव देती है और हरक्यूल से मिलना चाहती है। उसका नाम आर्डने ओलिवर होता है, जो कि एक मिस्ट्री नॉवल राइटर होती है। उसने 30 किताबें लिखी होती है, इसमें से 27 बहुत चर्चा में रही, लेकिन आखिरी 3 किताबें सक्सेसफुल नहीं रही। हालांकि पायरो अब केस लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी ओलिवर उसे बताती है कि वो एक औरत से मिली, उसका नाम जॉइस रेनॉल्ट है। वो आत्माओं से संपर्क साध सकती है। वो इससे पहले ऐसी बहुत औरतों से मिल चुकी थी जो आत्माओं से संपर्क साधने का दावा करती थी, लेकिन जॉइस रेनॉल्ट की बात बिल्कुल ही अलग थी। ओलिवर ने आत्माओं के आह्वान के दौरान कुछ ऐसा देखा था जो कि यकीन न कर पाने जैसा था, इसीलिए वो हरक्यूल के पास आई थी ताकि वो उसकी सच्चाई की जांच कर सके और बता सके कि क्या सच में आत्माओं से संपर्क किया जा सकता है या नहीं, या ये सब कुछ बस दिखावा है। इसके बाद वो सब एक पुराने घर में जाते हैं जहाँ पर हेलोवीन पार्टी रखी गई है अनाथ बच्चों के लिए। उस घर को देखकर हरक्यूल का बॉडीगार्ड पोर्टफोलियो कहता है, वेनिस शहर के हर घर में या तो भूत प्रेत है या फिर घर शापित है। ये पार्टी रखने वाली एक बड़ी ही मशहूर गायिका है जिसका नाम है रोवीना ड्रैक, जो वहां पर अपनी बेटी एलिसिया के आत्मा का आह्वान करना चाहती है, जो कि पिछले साल पानी में डूब के मर गई थी। हरक्यूल कहता है कि इतनी मशहूर गायिका की जिंदगी शान और शौकत से भरी होनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसे यहाँ पर रहती है। तभी ओलिवर कहती है कि इस घर में जो कोई भी रहता है उसकी जिंदगी अच्छी नहीं होती। कहते हैं कि इस घर पे श्राप है, कहते हैं यहाँ बच्चों की आत्माएं भटकती हैं, अगर उन आत्माओं की परछाई भी किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही रवीना की बेटी के साथ भी पिछले साल हुआ। हरक्यूल कहता है कि मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। इसके बाद वो रवीना से मिलता है। तभी उन्हें पता चलता है कि मिस जॉयस रेनॉल्ड्स भी वहां पे आ चुकी है। वहां आते ही वो कहती है कि इस घर में बहुत सारे बच्चों की आत्माएं भटक रही है। इसके बाद मिस रेनॉल्ड्स हरक्यूल पायरो से मिलती है। हरक्यूल कहता है कि वो अब रिटायर हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त के कहने पर यहाँ आया है ताकि वो ये सब कुछ जो कुछ भी वो कर रही है उसका पर्दाफाश कर सके। मिस रेनॉल्ड्स कहती है, क्या आपको इन बातों पर विश्वास नहीं है, मरने के बाद भी आत्माओं की दुनिया होती है। तभी वहां पर टंगा हुआ झूमर नीचे गिर जाता है और अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद पायरो की मुलाकात मिसेस ओल्गा सेमिनोफ से होती है, जो बताती है कि एलिसिया की मौत ऊपर छत से नहर में कूदकर हुई थी, मगर वो आत्महत्या नहीं थी बल्कि उसे धक्का दिया गया था आत्माओं के द्वारा। तभी वहां पर मौजूद एक डॉक्टर होता है जिसका नाम डॉक्टर लेस्ली होता है। उसके साथ वहां उसका बेटा भी आया होता है जिसका नाम लियोपोल होता है, जो कि अपने उम्र से बहुत बड़ा होता है। वो बच्चों की तरह हरकतें नहीं करता, उसका दिमाग बहुत तेज होता है, वो किसी भी चीज को बड़ों से भी ज्यादा समझ सकता है और कोई भी जवाब बहुत ही सोच समझ कर देता है। अब वो लोग एलिसिया के कमरे में जाने ही वाले होते हैं, तभी पायरो मिसेस ओल्गा सेमिनोफ से पूछता है कि क्या इस कमरे की और भी चाबियां हैं। तो वो जवाब में कहती है, एलिसिया के गुजरने के बाद इस कमरे में कोई भी नहीं जाता, सिर्फ मैं जाती हूँ साफ सफाई करने, और इस कमरे की केवल एक ही चाबी है। आगे ओल्गा बताती है कि एलिसिया और रवीना में बहुत प्यार था, लेकिन रवीना एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रह पाती थी। मशहूर गायिका होने की वजह से वो अक्सर घर से बाहर ही रहती थी। देखते ही देखते एलिसिया बड़ी हो गई, उसे मैक्सिम नाम के एक शख्स से प्यार हो गया। वो उसके साथ बहुत खुश थी, उनकी सगाई भी हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। वो उसे छोड़कर वापस हवेली में आके रहने लगी। उसके अकेलेपन को बच्चों की आत्माओं का साथ मिला, लेकिन उसकी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो बहुत दर्द से गुजरी। वो दिन भर आत्माओं की आहट सुनती रहती, परछाइयां देखती रहती। आत्माएं उससे कहती थी कि वो उनमें शामिल हो जाए। रवीना ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन एक दिन आत्माओं ने अलीशा की जान ले ली और उसकी पीठ पर अपने एक निशान को छोड़ दिया।
ओल्गा का मानना होता है कि एलिसिया की आत्मा का आह्वान नहीं किया जाना चाहिए, उसकी आत्मा को वापस परेशान नहीं किया जाना चाहिए। वो कहती है कि इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी वहां पर मैक्सिम आ जाता है। वो कहता है उसे खबर मिली है यहाँ पर एलिसिया की आत्मा का आह्वान होने वाला है। तभी रवीना कहती है कि तुमने उसके मौत के सिर्फ 6 महीने बाद ही दूसरी लड़की से शादी कर ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रईस है। तभी मैक्सिम भी गुस्से से रवीना को कहता है कि तुम मुझे एलिसिया से दूर रखना चाहती थी, मैंने भी उसे खोया है रवीना, इसलिए आज रात मैं यहीं रुकूंगा। जिसके बाद मिस रेनॉल्ड्स हवन शुरू करती है। उसके पास एक टाइपराइटर होता है। वो कहती है कि मैं बस एक सेक्रेटरी हूँ जो दूसरी दुनिया के मैसेज को इस दुनिया तक पहुँचाती है। जिसके बाद वो टाइपराइटर से एलिसिया के आत्मा से बातें करने लगता है। टाइपराइटर खुद ब खुद चल रहा होता है, जिसको देख के सभी लोग दंग रह जाते हैं। जिसके बाद पायरो को शक होता है। वो कहता है कि रुको, इतने जल्दी नहीं। चिमनी के अंदर वो हाथ डालता है और एक आदमी को नीचे खींच कर गिरा देता है, जो कि रेनॉल्ड्स का दूसरा असिस्टेंट होता है, जिसके हाथ में एक मैग्नेटिक स्विच होता है जिससे वो टाइप कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मिस रेनॉल्ड की कुर्सी चारों तरफ घूमने लगती है। वो जोर जोर से अचानक एलिशा की आवाज में बातें करने लगती है। वो अपने माँ से कहने लगती है कि वो उसे अकेले छोड़कर क्यों गई थी, वो मरी नहीं थी, उसका मर्डर हुआ है। फिर से कुर्सी चारों तरफ घूमने लगती है और वो कहने लगती है कि तुमने मुझे मारा, और शक की सुई सबकी तरफ घूमने लगती है। ऐसा लगता है मानो कि इन सब में से ही किसी एक ने एलिसिया का कत्ल किया है। जिसके बाद आह्वान को बंद कर दिया जाता है। सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं, जरूर एलिसिया का कत्ल हुआ है। तो उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो भूत प्रेत और दूसरी दुनिया में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। मिस रेनॉल्ड्स पायरो से कहती है कि रवीना चाहती है कि कल फिर से आह्वान हो। हो सकता है कि कल एलिसिया कातिल का नाम भी बता दे। हरक्यूल कहता है तुम सिर्फ एक माँ की भावनाओं से खेल रही हो, पैसे कमाने के लिए ये सब करना बहुत गलत है मिस रेनॉल्ड्स। तभी रेनॉल्ड्स कहती है कि उसे सच में दर्द महसूस हुआ, इसीलिए वो एलिसिया के दर्द को सबको बताना चाहती है। इसके बाद रेनॉल्ड्स अपने मास्क को पायरो को पहना देती है और वहां से चली जाती है। पायरो सेव को खाने की कोशिश करने लगता है। तभी कोई पीछे से आता है और उसका सर पानी के अंदर डाल देता है। पायरो का दम घुटने लगता है, वो बेहोश हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। तभी उसका बॉडीगार्ड आता है और उससे पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ। पायरो कहता है कि वो अभी अभी मिस रेनॉल्ड्स से मिला और उससे किसी ने जान से मारने की कोशिश की। तभी वहां पर चीखने की आवाज आती है और मिस रेनॉल्ड्स को कोई छत से ऊपर धक्का दे देता है। वो वहां नीचे नुकीली लोहे पे गिरती है जो कि उसके शरीर के आर पार हो जाता है और वो मर जाती है। सभी लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं। आखिर किसने मिस रेनॉल्ड को छत से धक्का दिया, किसने उसकी हत्या की, आखिर वो कौन सा राज है जो वो बताने वाली थी? क्या उसने सच में एलिसिया से संपर्क किया था? क्या वो सच में बताने वाली थी कि एलिसिया की हत्या किसने की? तभी ओल्गा कहती है कि हम सबको पता है कि एलिसिया की जान उन बच्चों की आत्माओं ने ली है। आज फिर से उन्हें परेशान किया जा रहा था, इसीलिए उन आत्माओं ने रेनॉल्ड्स को मार दिया। अभी अभी पायरो को भी किसी ने मारने की कोशिश की थी, इसीलिए ओलिवर हरक्यूल पायरो के लिए चाय लाती है जो कि रवीना ट्रैक के अलमारी में मिले शहद से बनाई गई होती है। तभी पायरो बाहर जाता है, दरवाजा बंद कर देता है और अंदर जाकर कहता है एक औरत जिसने दावा किया कि यहाँ पे खून हुआ है, उसी औरत का खून हो जाता है। आखिर आप लोगों में से ही कोई ऐसा है जिसने कत्ल किया है? हो सकता है उसने एलिसिया का भी कत्ल किया हो। वो नहीं चाहता कि लोगों को उसके राज के बारे में पता चले। हमें दिखाया जाता है कि पूरा घर पानी से घिरा होता है, बाहर बारिश भी हो रही होती है, तूफान भी बहुत तेज होता है, इसीलिए पायरो बोलता है कि सुबह तक ना पुलिस आ सकती है और ना ही कोई मदद। जब तक उसे कातिल का पता नहीं चल जाएगा, आप में से कोई यहाँ से नहीं जाएगा। इसके बाद पायरो अपनी छानबीन शुरू कर देता है। वो और उसके लेखक दोस्त ओलिवर सबसे पहले रवीना ड्रैक से पूछते हैं कत्ल के वक्त वो कहाँ थी। वो बताती है कि वो उस वक्त म्यूजिक रूम में थी। पायरो पूछता है कि छत के ऊपर क्या है। तभी रवीना उसको ऊपर ले जाती है जहाँ पर एक छोटा सा गार्डन होता है। वो बताती है कि वो और एलिसिया वहाँ पर खेला करती थी। वहाँ पर वो मधुमक्खियाँ पालती थी जिससे शहद निकालती थी। पायरो पूछता है कि आप मिस रेनॉल्ड्स को कैसे जानती थी। रवीना कहती है मिस रेनॉल्ड्स का लेटर आया था जहाँ पर उसे वो एस्पीसिया कह के बुला रही थी। वो एक स्पेशल निकनेम था जो सिर्फ एलिसिया ही अपनी माँ को कहती थी, जिससे उसे उस पर यकीन हो गया। साथ ही साथ वो बताती है कि मैक्सिम का एलिसिया का जिंदगी में आना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके हिसाब से मैक्सिम बस एक लालची आदमी है जो कि उसकी बेटी को नहीं बल्कि उसके पैसों को चाहता है, इसीलिए उसने किसी दूसरे अमीर लड़की से सगाई कर ली। इसके बाद पायरो और ओलिवर दोनों मिसेज ओल्गा सेमिनोव से पूछताछ करते हैं। पायरो कहता है कि कत्ल के वक्त आप कहाँ थी। वो बताती है कि मैं रवीना के साथ थी। पायरो कहता है कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि एलिसिया की आत्मा को परेशान किया जाए। आपका मानना था कि मिस रेनॉल्ड शैतानों की पूजा करती है, इसीलिए तो कहीं आपने उसका कत्ल तो नहीं कर दिया।
जिसके बाद उसे भी कुछ आहटें सुनाई देने लगती है। आसपास अपने पीछे किसी होने का अनुभव होने लगता है। ऐसा लगने लगता है जैसे उस घर में जरूर कोई आत्मा है। जिसके बाद वो डॉक्टर लेस्ली से पूछताछ करता है। वो कुछ सवालों और जरा से घूरने के बाद पागल जैसा बर्ताव करने लगता है। वो बताता है कि वो पहले फौज में था, उसने ऐसी दर्दनाक मौतें अपनी आंखों के सामने देखी थी जिससे कि उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया था, इसीलिए उसके प्रैक्टिस पे रोक भी लगा दी गई थी। लेकिन रवीना के कहने पे उसने एलिसिया का इलाज किया, क्योंकि कोई भी डॉक्टर यहाँ पर हवेली में उसका इलाज नहीं करना चाहता था। आगे डॉक्टर बताता है कि इलाज के दौरान उसे मदद की जरूरत थी, इसीलिए उसने एलिसिया को नींद की गोलियां दी, लेकिन फिर भी वो उसे बचा नहीं पाया। इसके बाद पायरो की भी तबीयत खराब होने लगती है। उसे भी ऐसा लगने लगता है जैसे यहाँ पर कोई आसपास कोई आत्मा या शैतान है। मेरे पिता कत्ल के वक्त मेरे साथ थे रवीना के किचन में, ताकि वो उसको गुड नाइट बोल सके। लियोपोल की बातें सच में किसी बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक बहुत ही समझदार वयस्क आदमी की तरह होती है, जिसे देखकर हरक्यूल पायरो भी चौंक जाता है। जिसके बाद वो मिस रेनॉल्ड के असिस्टेंट्स की पूछताछ करता है। दोनों से पता चलता है कि दोनों हंगरी देश के रहने वाले हैं। विश्व युद्ध के दौरान उन्हें अमेरिकी सैनिकों ने बचाया था, जिस वजह से वो अमेरिका जाना चाहते थे। इसीलिए वो मिस रेनॉल्ड्स के साथ मिलकर काम करते थे ताकि वो पैसे जुटा सके और अमेरिका जा सके। लेकिन पायरो जब उन दोनों पर यह इल्जाम लगाता है कि तुमने पैसों की चोरी की और जब उनको पता चल गया इसीलिए तुमने उन्हें धक्का देकर मार दिया होगा, ये सब कुछ सुनकर लड़की वहां से भागने लगती है। लेकिन फिर सब मिलकर उन्हें बांध देते हैं ताकि जब तक कातिल का पता ना चल जाए कोई भी यहां से जा ना सके। वो लड़की बार बार चिल्लाती है उसने खून नहीं किया। तभी पायरो को फिर से ऐसा लगता है कि मानो कोई और भी है इस हवेली में, लेकिन वहां पर कोई होता ही नहीं है। यहाँ पर हम सबको एक बार फिर से लगता है कि इस घर में जरूर कोई भूत प्रेत है। तभी वहाँ नीचे से बहुत जोर से कुछ टकराने की आवाज आने लगती है। सब लोगों को लगता है जैसे कि यहाँ पे कोई है जो नहीं चाहता कि ये सब लोग इस घर पे रहें। तभी पायरो और बाकी लोग नीचे जाकर तहखाने में देखते हैं। वहां पर एक बड़ी सी लकड़ी पानी के लहरों की वजह से टकरा रही होती है जिससे कि आवाजें आ रही होती है। वहां पर बहुत सारी मधुमक्खियां भी होती है। इसी बीच डॉक्टर लेस्ली और मैक्सिम के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेस्ली अपना आपा खो देता है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी उसका बेटा उसको शांत करता है और उसे कमरे में ले जाता है जहां उसे कुछ दवाइयां दी जाती है और उसे आराम करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। उस कमरे को ताले से बंद कर दिया जाता है। रवीना बताती है कि इस ताले की एक ही चाबी है और वो चाबी पायरो को दे देती है। इसके बाद वो मैक्सिम से पूछताछ करता है, जहां पर मैक्सिम बताता है कि उसने एलिसिया से सगाई इसलिए तोड़ दी थी क्योंकि उसकी माँ मैक्सिम को पसंद नहीं करती थी। एलिसिया को बचाया जा सकता था लेकिन उसका इलाज एक ऐसे डॉक्टर ने किया जो खुद बीमार था। बाद में वो एलिसिया से मिलने भी आया था जब वो बीमार थी, लेकिन रवीना ने उसे उससे मिलने नहीं दिया। तभी उसके जेब से एलिसिया की तस्वीर गिरती है और हम सब ये समझ पाते हैं कि मैक्सिम वाकई में एलिसिया को बहुत प्यार करता था। तभी सभी लोग पायरो के पास दौड़ के आते हैं और अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। जब पायरो जाके कमरे का दरवाजा खोलता है तो वहां पर डॉक्टर की लाश पड़ी होती है और किसी ने उसके पीठ पर चाकू घोंप कर उसे मार दिया होता है। अब हरक्यूल पायरो सब पर शक करने लगता है, लेकिन लोग भी कहते हैं कि चाबी तो सिर्फ तुम्हारे ही पास थी। पायरो का बॉडीगार्ड कहता है कि यहाँ जरूर कोई ताकत है क्योंकि कोई आम इंसान ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद केस की तहकीकात करने के लिए सभी कमरे से बाहर चले जाते हैं और पायरो को अकेला छोड़ देते हैं। तभी पायरो सबको बुलाता है और अब यहाँ से आप सभी लोगों को इन दो कत्लों के अलावा एलिसिया के कातिल का भी पता चलेगा, क्योंकि एलिसिया के कातिल ने ही इन दोनों का भी कत्ल किया होता है। पायरो बताता है कि एलिसिया का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ रवीना ट्रैक है। तभी रवीना चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने ऐसा कहा कि मैंने अपनी बेटी का कत्ल किया है। तभी पायरो जवाब देता है और कहता है कि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे रुतबे से कम पैसे वाले लड़के से शादी करे, उसके साथ रहे। तुम अपनी बेटी को कभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बेटी को किसी और से प्यार हो गया और सगाई भी कर ली। गुस्से में तुम अपने बगीचे के फूल तोड़कर यहाँ से चली गई, लेकिन वापस तुमने उस बगीचे में फूल उगाई, लेकिन इस बार वो फूल फूल नहीं थे बल्कि एक खास तरह के फूल थे जिससे मधुमक्खियाँ एक ऐसा शहद बनाती थी जो कि एक प्रकार का पॉइजन होता है, जिसका सेवन करने से इंसान को गलतफहमियां होने लगती है, भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं। और इसी शहद से बने चाय को भी मैंने पिया था, इसीलिए मुझे भी भूत प्रेत दिखाई देने लगे थे। तुमने अपनी बेटी को दिन और रात शहद के साथ दवाइयां घोल के दी जिससे कि तुम्हारी बेटी और बीमार और कमजोर हो गई ताकि वो किसी और के साथ तुम्हें छोड़कर ना जा सके, तुम्हारे पास ही रह सके। लेकिन उस रात तुम एलिसिया को मिस ओल्गा के पास छोड़कर थोड़ी देर के लिए चली गई
जिसके बाद एलिशिया की तबीयत खराब हो गई और मिस ओल्गा ने अनजाने में वही किया जो तुम हमेशा करती थी। ओल्गा ने भी शहद वाली चाय के साथ एलिशिया को दवाइयां दे दी और उसके सोने के बाद वो वहां से चली गई। जब तुम अपनी बेटी के पास वापस लौटी तब तक उसका दिल धड़कना बंद हो चुका था, वो मर चुकी थी। उसके बाद तुमने उसके पीठ पर एक शैतानी चिन्ह बनाया जिससे लोगों को लगे कि आत्माओं ने ही एलिशिया की जान ली है। डॉक्टर लेस्ली फेरियर तुमसे प्यार करता था, इसीलिए तुमने उसे एलिशिया की बीमारी का इलाज करने के लिए कहा, लेकिन इलाज के दौरान उसको शक हो गया शायद उसकी बीमारी की वजह कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। इसीलिए उसने जॉयस रेनॉल्ड्स को एक खत लिखा और उस खत के वजह से रेनॉल्ड्स ने तुमको ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से तुमने आत्माओं के आह्वान के बहाने उसे बुलाया, जिसके लिए तुम एक मोटी रकम भी चुकाने के लिए तैयार हो गई। और साथ ही तुमने ये भी सोचा, एलिशिया की जान तो चली ही गई है लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है जहां इन दोनों को भी मार दिया जाए ताकि कभी भी किसी को तुम्हारे राज के बारे में पता ना चल सके। इसीलिए तुमने सबसे पहले मुझे मारने की कोशिश की क्योंकि मैंने रेनॉल्ड्स के मुखौटे को पहन रखा था, लेकिन फिर बाद में तुमने उसकी हत्या कर दी। बाद में तुम बंद कमरे में डॉक्टर लेस्ली हैरियर को आत्महत्या करने के लिए उकसाया, उससे कहा कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम उसके बच्चे को मार दोगी। उसके पास कोई और चारा नहीं था इसलिए उसे वो करना ही पड़ा। जिसके बाद रवीना दरवाजे को बंद करते हुए ऊपर जाने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है कि उसने सिर्फ अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहा था। वो भाग के ऊपर छत पे चली जाती है जहाँ पायरो भी उसका पीछा करता है और ऊपर आ जाता है, लेकिन वहाँ पे पायरो कुछ ऐसा देखता है जिस पर उसे कभी भी यकीन नहीं था। वहाँ एलिशिया की आत्मा होती है जो कि रवीना को छत से नीचे गिरा देती है। छत से नीचे गिर के रवीना ड्रैग की डूब के मौत हो जाती है। दिखाया जाता है कि सुबह तूफान थमने के बाद पुलिस भी आ चुकी है, तीनों लाशों को बरामद कर लिया गया है। कहानी के अंत में एक और राज का खुलासा होता है जहां हमें पता चलता है कि मिस रेनॉल्ड्स को खत लिखने वाला डॉक्टर लेस्ली नहीं बल्कि उसका बेटा लियोपोल्ड था। पैसों की तंगी को देखते हुए वो अपने पिता की मदद करना चाहता था, इसलिए उसने खत लिखकर मिस रेनॉल्ड्स के साथ रवीना ड्रैक को ब्लैकमेल किया। मिस ओल्गा डॉक्टर लेस्ली के बेटे को गोद ले लेती है और अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हरक्यूल पायरो दोबारा केस लेना शुरू कर चुका है और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही बेहतरीन मूवीज के एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वॉच ऑन पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वॉच ऑन पॉइंट।